आज का क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। 150वें प्रकाश वर्ष के मौके पर सेंट्रल जेल में भी सद्भावना सभा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध संत रावत पूरा सरकार के मुख्य अतिथि में कैदियों के लिए सत्संग और प्रवचन का आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल के मुख्य हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संत रावत पूरा सरकार ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि गलती करने के बाद इंसान को अपना जीवन सुधारने का मौका मिला है, जिससे गंवाना नहीं चाहिए और इस सुधार गृह में आकर अपना जीवन सुधार ले। संत रावत पूरा सरकार ने सभी बंदियों को समझाई देते हुए कहा कि सजा पूरा करने के बाद भी जब समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे तो एक बेहतर इंसान की मिसाल पेश करे और लोगों की भलाई में अपना जीवन समर्पित करे। इस दौरान बड़ी तादाद में कैदी और जेल अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के बंदियों के लिए क्या मैसेज उन्होंने दिया? गुरु नानक देव महाराज की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। चूँकि जबलपुर नगर में श्री रावतपुरा सरकार जाने माने संत पधारे थे, बंदियों के आग्रह पर उनसे निवेदन किया, आज वो स्वयं आए और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बंदियों को संदेश दिया है कि वो अपने जीवन में धैर्य रखें, ध्यान करें और क्षमा करें। यही तरीका है जिससे आपका जीवन आने वाला संवर सकता है और हमको उम्मीद है कि गुरुदेव के आने से बंदियों के मस्तिष्क में जो अंधकार है उसमें प्रकाश फैलेगा और वो अपना जीवन बदल पाएंगे। मैं इस अवसर पर गुरुदेव की बहुत बहुत आभार करता हूं और गुरु नानक देव की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।